हेलो गाइस, देखो आज के इस वीडियो में ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस आप लास्ट तक देखिए। यहाँ पे क्या होता ना कि हमारा जो एक बहुत ही बेस्ट नेबर था भाई, थोड़ा कॉमेडी वाला, पूरा सर्वर मिलके उसको ही धोता था। आपने देखा होगा पहले वीडियो में, वही बंदा भाई आज हमको रेड करने आया था। बेचारा मतलब स्टोन वॉल तोड़ दी थी और नहीं ज़्यादा कुछ नहीं ले जा पाया, लेकिन फर्नस में जो भी लूट थी सारा का सारा वो ले गया। फिर भी हमारे पास बहुत अच्छी लूट बाकी थी, तो भाई कोई बात नहीं, करने दो उसको भी मज़े। लेकिन यहाँ पे पास ही में ना एक बॉड बेस आया हुआ था और वो 7x के कुछ बंदे वहाँ पे लूट के ना अपना 2x2 में रखे हुए थे। तो अभी चलो वहीं पे चलते हैं, देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो मैं अकेला हूँ, बाकी सारे बंदे ऑफलाइन हैं। चलो ट्राई करते हैं अकेले काउंटर करने।
सेवन एक्स लीजन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था, क्योंकि वो लोग इसी सर्वर के बंदे को उनके लीजन में ऐड कर रहे थे। तो भाई हमने सोचा कि उनको कहीं ना कहीं से तो वीक बनाना पड़ेगा, तो उनका जो स्टार्टर बेस था तो हमने सोचा कि इसको रेड कर दे, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या ग्लिच हो रहा था, यहाँ पे डैमेज ही नहीं आया डोर को। देखो हमारे पास जो भी बॉम्ब है, जो भी फार्म है, वो हमने खुद से कभी नहीं किया। हम बस आते हैं, पीवीपी करते हैं, बंदों को कैंप करते हैं, वहाँ से कुछ लूट मिला तो मिला, पर हमने ना ज़्यादा रूम भी नहीं किया। आपने देखा होगा वीडियो में, तो हमको C4 वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमको पता था ये बंदे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सर्वर में, इनके एक दो बेस को उड़ा दे तो हमारे पास बहुत अच्छी खासी लूट आ रखी होगी। तो भाई हम आ गए थे इस बेस को रेड करने के लिए, देखो आप क्या क्या लूट मिलती है।
इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी लूट आ चुकी थी। हमको लगने लगा था कि इस बेस में रुकना अब खतरे से खाली नहीं है इतनी सारी लूट के साथ, तो हम लोग निकल पड़े एक नई जगह, एक नया बेस बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है इस सर्वर में आगे। जिन लोगों की वजह से हमको हमारी फेवरेट प्लेस छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो बंदा यहीं पे ऊपर पहाड़ी पे रहता है। भाई बुरा तो बहुत लगा है, क्योंकि इन लोगों ने ना इतना गंदा वर्ड्स यूज़ किया है ना हमारे लिए। इन लोगों को लगता है कि ये चार बंदे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सर्वर बहुत बड़ा है, अभी भी 24 आवर्स बाकी है। इनको पता चल जाएगा कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, चार लोग मिलके 10 लोगों की जान फाड़े। बहुत देर तक तलाशने के बाद हम लोगों को एक ऐसी जगह मिल चुकी थी जहाँ पे बंदे थोड़ा सा कम ही आया करते हैं, और हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे मतलब बंदे आएंगे नहीं, हमको रेड नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे जल्दी से हमारा बेस बिल्ड करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और बेस बनाने में माहिर हमारी टीम में जुल्मी भाई, उसके आसपास भी कोई नहीं आता। जुल्मी भाई वहाँ पे बेस बना रहे थे और मैडी और मैं खाली हाथ बैठे थे, तो सोचा कि रॉकेट बेस जाके एक बार इजी है कि नहीं देख लेते हैं, क्योंकि इजी से भी आप लोगों को बहुत सारे शॉट मिल सकते हैं अगर आपने मेन ड्रॉप नहीं भी लूटे। टैंक हो गया, इजी हो गया, अवेंजर हो गया, हिली, ये करके भी आप लोग 40 से 50 शॉट आराम से निकाल सकते हैं। मुश्किल है लेकिन ट्राई करने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम कोई अच्छा काम करें और उस लीजन को मतलब सहन हो जाए, ये तो कभी नहीं हो सकता ना। वो बंदा आ गया फिर से यहाँ पे भी टांग अड़ाने के लिए, देखो क्या होता है। एट दिस पॉइंट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम लोगों ने तो मेन बेस बना लिया था। तो सुनो मेरे भाई, मेरे को बस इतना ही बताना है कि तुम मेन बेस कहीं अलग बनाओ और खेलो कहीं और से, क्योंकि बंदे को तालमेल नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों का मेन बेस भी है। तो ये जो प्लानिंग है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगी किस तरीके से काम करेगी। अभी के लिए तो हमारे नेबर्स बहुत ही उछल रहे थे तो करने आ गए थे रेड। और भाई हमने क्या किया है ना, इस सर्वर में हमारे नेबर्स के बेस को हमने तोड़ा नहीं है, उनको ना हमने एज अ फर्नेंस और हमारा फार्म बेस जैसा यूज़ किया है। अभी देखो उस टावर को भी रेड किया था, सॉरी उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन वो रेड करके हमने वहाँ पे भर भर के फर्नेंस लगा दिए हैं, क्योंकि जो 7x लीजन है ना उसने फर्स्ट डे, देखो फर्स्ट डे यहाँ इस सर्वर में रेड नहीं कर सकते आप बैच हंटर में, तो फर्स्ट डे उन्होंने फार्मिंग वार्मिंग सब कुछ करके ना मतलब उनका एकदम टकाटक हो चुका था। सेकेंड एंड थर्ड डे पे उनको बस यही करना था गन वगैरह कलेक्ट करने का, लेकिन हम लोगों ने, सच बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे पूरा मज़े में ले गए थे। लेकिन थोड़ा सा सीरियस टॉक होने के बाद हमने भी सोच लिया कि ये सर्वर तो निकाल के ही जाना है, तो फिर चलो कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप मेरे को क्या बताना है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी इस बेस को रेड करता हूँ, देखते हैं क्या क्या मिलता है इस बेस से। Thank you.
थैंक यू सो मच यार, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई, अगर आप लोग न्यू हो हमारे चैनल पे और अभी तक वीडियो पे हो तो भाई इसका मतलब आपको पसंद आई ये वीडियो, सब्सक्राइब कर लो, इससे भी बढ़िया वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो हमारे पास अभी तो 16 है, बैच 4 है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में 20 मिले थे ना वो पता नहीं कैसे, मगर दोनों सर्वर में ना स्टार्टिंग वाले जो बैच के शार्ड होते हैं ना फर्स्ट डे मिलते हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारी लूट देख लो और बताओ कमेंट्स में क्या हम नेक्स्ट पार्ट में उनका बेस रेड कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने अभी तक उनका बेस कैसा दिखता है कहाँ पे रिवील नहीं किया है, इसलिए नेक्स्ट वाला वीडियो देखो, बहुत ही खतरनाक सरप्राइज हमको और आपको मिलेगा। तो बाय बाय यार सबको।